नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साथियों के साथ लूट की योजना बना रहा एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार। थाना जलेसर एवं थाना निधि निधोली कला क्षेत्र में हुई नकदी व मोबाइल लूट की घटनाओं का खुलासा। लूटे हुए 50,000 रुपये, एक मोबाइल फोन व एक अवैध असलाह कारतूस बरामद। कस्बा जलेसर में निधोली चौराहे के पास से मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचे के बल पर व्यापारी शुभम गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी महावीरगंज थाना जलेसर से 2,50,000 नकदी से भरा थैला व एक सोने की चेन छीन ली गई थी। थाना निधोली कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दलशाहपुर के पास एक मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाउमीन की रेहड़ी लगाने वाले धर्मेंद्र कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम खंजापुर थाना निधोली कला से 2,000 नकदी तथा 2 मोबाइल फोन छीन ले गए थे। थाना निधोली कला तथा थाना जलेसर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जनपदीय इंटेलिजेंस विंग की सूचना पर अभियुक्त जितेंद्र पुत्र गंगाशरण शर्मा निवासी ग्राम भुरका थाना सिकंदर राव हाथरस को दलशाहपुर पेंट की तरफ से बने बरामदे के पास से प्रातः समय करीब 2:40 बजे गिरफ्तार किया गया है। एटा संवाददाता हरिकेश बघेल की रिपोर्ट। कप्तान साहब, आज पुलिस ने कुछ खुलासा किया है, ये लुटेरा पकड़ा गया है, क्या क्या इसने कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया? देखिए, क्राइम ब्रांच थाना जलेसर पुलिस और निधोली थाने की पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। पूछताछ पर उससे लूट की 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है। पहली घटना जो 12 अगस्त को कस्बा जलेसर में एक गल्ला व्यापारी के साथ घटित हुई थी। 2,50,000 रुपए एक झोले में रख के जा रहे थे, लूट लिया गया था। दूसरी घटना थारा निधोली करा में 30 सितंबर को सायंग लगभग 8 बजे के आसपास एक ठेले से एक मोबाइल फोन छीन लिया गया था और इन दोनों घटनाओं का खुलासा हुआ है। इस अभियुक्त ने दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अपने 2 अन्य साथियों के नाम पते भी इसके द्वारा बताए गए। घटना के समय जो इनके द्वारा पहने गए कपड़े थे, उस कपड़े की पहचान हो गई है, वो बरामद भी कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रातःकाल इन्होंने आगरा चौराहे के पास में शराब के ठेके से शराब लेकर पी और उसके बाद घटनास्थल के पास में एक तखत पर 2 लोग बैठे रेकी करने के उद्देश्य से, ये सारी बातें तस्दीक हुई हैं और इस अभियुक्त जितेंद्र नामक अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। अन्य अभियुक्तों व माल की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। इनसे सर अभी फिलहाल कुछ बरामदगी हुई है नहीं हुई है? इसके कब्जे से 50,000 रुपए अवैध असलहे बरामद हुए हैं तथा घटना के समय जो पहने हुए कपड़े थे वह भी बरामद हुए हैं।